हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अक्सर लोग मोहब्बत में जान लेने देने की बात करते हैं। काफी प्यार मशहूर हुए जैसे हीर रांझा या फिर लैला मजनू। किसी ने अपने आशिकी के लिए गाया कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो किसी ने अपनी जान तक दे दी। मोहब्बत का रंग शुरू से गाढ़ा रहा है। कई आशिकों की आशिकी परवान चढ़ी तो कईयों की बेढंग भी हुई। हमारे देश में भी एक मोहब्बत की निशानी मौजूद है जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। खैर, यह सब तो हुई इधर उधर की बातें, लेकिन आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने अपनी मोहब्बत के लिए एक अलग ही नमूना पेश कर दिया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिहारी की जिसके कारनामे को लोग आज भी याद करते हैं, और वो और कोई नहीं, वो है हमारे दशरथ मांझी जी। जी हाँ, दशरथ मांझी एक ऐसा नाम है जिसकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। यह वो मांझी है जिसने न ही पत्थर खाए और ना ही ताजमहल बनवाया, लेकिन अपने पत्नी के प्यार में उसने उस पहाड़ का सीना चीर दिया जिसके कारण उसकी पत्नी की जान गई थी। यह कहानी इतिहास के पन्नों में भी कहीं गुम हो जाती अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कलाकार अपने हाथ में छेनी और हथौड़ी लेकर इस किरदार को रुपहले पर्दे पर ना जीता। नवाजुद्दीन ने इस महान कलाकार के ऊपर एक मूवी की जिसका नाम था मांझी द माउंटेन मैन। तो लोग भी जानने के लिए उत्सुक हुए कि भाई आखिर ये कौन थे। तो फिर ये गूगल पे भी ट्रेंड होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये और भी मशहूर होते चले गए। गया जिले के गहलोर गांव में जब आप गुजरेंगे तो आपको पहाड़ के बीचों बीच से निकलता हुआ एक रास्ता दिखेगा, और यही रास्ता पहचान है उस महान इंसान की जिसे सब दशरथ मांझी के नाम से जानते हैं। दशरथ मांझी एक गरीब मजदूर थे जो गांव में अपना गुजर बसर खुशी खुशी अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के साथ करते थे। उतार चढ़ाव के बावजूद सब कुछ बढ़िया था। गांव में एक पहाड़ के कारण काफी परेशानी होती थी क्योंकि उसके चलते लोग को काफी ऊंचाई और खराब रास्ते से होकर एक लंबी दूरी तक आना जाना होता था। दशरथ मांझी की पत्नी पेट से थी और उन्होंने खाना लेकर उसी पहाड़ से होकर जा रही थी। अचानक उनका पैर किसी पत्थर से टकराया और गिरकर उनकी जान चली गई। उन्हें बचाने के लिए काफी कोशिश भी की गई लेकिन मांझी ऐसा कर नहीं पाए। बस इसी जुनून को उन्होंने आग दी और एक छेनी और एक हथौड़ी को लेकर निकल पड़े उस पहाड़ से लड़ने जिसने उनके प्यार को उनसे छीना था। आपने अगर नवाजुद्दीन की मांझी द माउंटेन मैन देखी होगी तो आप सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों, मांझी ने पहाड़ से कहा कि बहुत अकड़ है तेरे में, तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा, और हुआ भी बिल्कुल वही। पूरे 22 साल लगे थे मांझी को उस पहाड़ का सीना चीरने में। काफी मुश्किलों का सामना भी किया, उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस पहाड़ को चीर कर उससे रास्ता निकाल दिया। आज वो रास्ता वहां के लोगों के लिए वरदान हो चुका है और उसी के मार्फत वहां के आमजन सरकार के विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ भी रहे हैं। गहलोर की इस रास्ते को दशरथ मांझी के नाम से भी जाना जाता है, और इस रास्ते पे घुसने पे आपको एक मेन द्वार मिलेगा जिसे दशरथ मांझी द्वारा कहा जाता है। तो दोस्तों, यह है एक हकीकत जिसने एक मोहब्बत, एक चाहत और एक जुनून को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। दशरथ मांझी अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके इस कारनामे ने मोहब्बत को एक नया आयाम जरूर दे दिया। उन्होंने हौसला और जुनून का एक ऐसा मिसाल पेश किया जो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशनल मॉडल है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताजा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें।